Hello, my dear student. Today I am going to discuss one of the most important topic on chemistry, that is nothing but bond order. In every year, there must be a question from bond order, whether it is either NEET, JEE or other any state level competitive exams. Okay, so there is many tricks and tips available on YouTube on this. Still, as many of my students have requested me to make a video on it, here I am going to discuss bond order. Okay, so before we start, I will classify this video into two sections. In first section, I will try to discuss how to find out the bond order of diatomic species. Okay. And in the latter part, I will discuss about the polyatomic molecule. As diatomic part is discussed everywhere, it is very easy. But the polyatomic part is very much important for JEE and NEET point of view. So, agar tum ye video last tak dekhoge, then you will definitely know how to find out the bond order in a very short interval of time. Theek hai? To chalo. First, we'll find out for diatomic. For diatomic, what is diatomic species? मतलब जैसे O2, CO, CN ये सब क्या है? ये सब diatomic है, ठीक है? And later part we'll discuss for polyatomic. Polyatomic species, ठीक है? What is polyatomic species? जैसे कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये सब के बारे में, ठीक है, चलते हैं. तो पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस फॉर डायटोमिक स्पेसिस. आई विल सी द डायटोमिक स्पेसिस. तो फॉर डायटोमिक स्पेसिस व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ड्रॉ ए बी. दो भी ड्रॉ करना है, एक ऐसा बड़ा करके ड्रॉ करना है और एक भी ऐसा छोटा करके ड्रॉ करना है, ठीक है. इन द फर्स्ट वन पुट 14 हियर और इस ऊपर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ. कितना सपोज यहाँ पे दो 15 16 17 18 19 और अगर इसमें और इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा 20, ठीक है. ठीक उसी तरह यहाँ पे कितना होगा 13 12 11 10 9 और 8, ठीक है. तो व्हाट इज दिस नंबर? दिस नंबर इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके. और ये छोटा वाला ट्री में बी में क्या लिखना है? इसमें लिखना है 4 5 6, ठीक है. यह होगा 3 2, देखो 2 3 4 5 6, दैट्स इट. तो ये सब क्या है? देखो व्हेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14, देन इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3. व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज 3. व्हेन इट इज 15, ओके, इट इज 2.5. when it is 17, okay, when it is 17, it will be what? When it will be 2.0, it will be 1.5, it will be 1.0 to 0.5, but in this case it will be 0, okay. But same when it will be 13, yahan pe bhi kam ho, kitna kare decrease karna hai? 0.5, ठीक है. 2.0 यहाँ पे कितना होगा? 1.5 यहाँ पे कितना होगा? 1 इसमें कितना होगा? 0.5 और यहाँ पे कितना होगा? 0, ठीक है. और जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होगा तब भी क्या होगा? 0 होगा. जब 0.5 होगा, जब 5 होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल बी 0.5 एंड व्हेन इट इज 6 इट विल बी 1. तो लाइक दिस यहाँ पे भी क्या होगा 0.5 एंड हियर इट विल बी 1, ठीक है. लेट्स टेक सम एग्जांपल. एग्जांपल से हम लोग समझते हैं. सपोज
फर्स्ट वी विल टेक एग्जांपल ऑफ सपोज नाइट्रोजन, ठीक है, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, तो कितना है, 2, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, तो 14 इज इक्वल टू व्हाट, 3, तो देयरफॉर व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर विल बी द 3, ठीक है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सपोज CN नेगेटिव, ठीक है, CN नेगेटिव का निकालना है, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन का कितना है 6, नाइट्रोजन का कितना है 7, नेगेटिव मतलब प्लस, ठीक है, मतलब इट हैज टेक वन इलेक्ट्रॉन, तो हाउ मेनी इट विल बी, इट विल बी व्हाट, 14, दैट मींस इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. ओके, लेट्स टेक अनदर वन, सपोज O2 नेगेटिव, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना है 8, हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर, 2 ऑक्सीजन इज देयर एंड 1 नेगेटिव, दैट मींस इट हैज टेकन 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इज व्हाट 17, और 17 का मतलब क्या होता है 1.5, द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5. देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज लिथियम, ठीक है, लिथियम 2 प्लस, ये सब भी आ सकते हैं, तो देखो लिथियम का कितना है, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम मतलब 3, कितना लिथियम है, 2 लिथियम, उसमें क्या है पॉजिटिव, दैट मीन 1 विल बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम हियर, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज देयर, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 मतलब क्या था, छोटा डी में 0.5, दैट मींस इट्स बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5, ठीक है. ये लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं फॉर डाई एटॉमिक, एक देखो O2 3 नेगेटिव, हियर सी फॉर 2 ऑक्सीजन इट विल बी 8 प्लस 8 प्लस 3, ठीक है, तो कितना हो गया 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 3 इट विल बी 19, और 19 का कितना था अकॉर्डिंग टू आवर ट्री, इट इज 0.5, इट इज 0.5, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल एज ए होमवर्क, सॉरी एज ए होमवर्क यू नीड टू डू, ट्राई टू फाइंड आउट दिस एट होम, जैसे NO2 नेगेटिव, ठीक है, Li2, ये दोनों आप लोगों को घर में निकलना है और YouTube का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द बॉन्ड ऑर्डर फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है. ओके, देयर इज ए वेरी इजी ट्रिक्स टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, तो व्हाट इज द ट्रिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक्स बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, और सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो इसके लिए तुम लोगों को क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना पड़ेगा, अगर नहीं भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हियर विल डिस्कस हाउ विदाउट ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, ठीक है. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल, फर्स्ट वील टॉक अबाउट CO3 2 नेगेटिव, व्हाट इज दिस, दिस इज कार्बोनेट आयन, ठीक है, तो कार्बोनेट आयन का कैसा होगा, देखो मैं बोल देता हूँ, कार्बोनेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, हाउ मेनी, 1, ए होगा एक स्ट्रक्चर, ए हो गया एक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द अनदर वन, ठीक है, तो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बोनेट हैव 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी 3, ठीक है, एंड सी हाउ मेनी बॉन्ड इज देयर, सो सी कैलकुलेट हियर, 1 2 3 4, इन एवरी केस 1 2 3 4, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर, 4,
So it will be 4. If you divide 4, it you will get the value 3.3. Then the bond order will be 3. See, शायद तुम लोगों को ये पता भी नहीं होगा, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस? एक तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता होगा, ठीक है. अगर नहीं आया होगा, इन आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्पेसेस, ओके, ऑन दिस टॉपिक. इफ यू वांट जस्ट डो कमेंट. देखो कैसे करके तुम लोगों का नंबर ऑफ रीजनिंग स्ट्रक्चर पता करना है. सी CO3 यहाँ पे कितना O है, 3O है. ऑब्वियसली इन दिस टाइप यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी 3 होगा. देखो 1, 2, 3, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 1, 2, 3, और इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितना हो गया, 3 हो गया. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज हियर आई विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है. यहाँ का इसका हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे. तो इजी, हम लोगों को क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रक्चर और ऊपर में क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड. देखो P4O3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, P4O3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना जीरो है, वन, कितना ओ है, ऑक्सीजन है, 1, 2, 3, 4, मतलब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है. और इसमें बॉन्ड कितना है, 1, 2, 3, 4, 5. इफ यू डिवाइड यू विल गेट द वैल्यू 1.25, ठीक है. यू कैन चेक इट हाउ मेनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज देयर. ओके, लेट्स चेक अनदर वन एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है. तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 1, 2, 3, 4, 4. और इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, कितना ऑक्सीजन है, 1, 2, मतलब 2 ही होगा. इफ यू डिवाइड यू विल गेट 2. ऑब्वियसली इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है कि नहीं है, ठीक है. तो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है. इसका अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है. इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है. फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर. क्या था बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाउ मेनी बॉन्ड इज देयर, 6. और हाउ मेनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू विल हैव, जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना ही उसका क्या होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 4. इफ यू डिवाइड 6 बाय इट विल बी 1.5, ठीक है. सबको समझ में होगा, मजा आ रहा है ना, यस. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज Cl4O-, ठीक है. परक्लोरेट, ठीक है, पर हैलेट, परक्लोरेट होगा इसका नाम. तो इसका मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब देखो, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर है हिस्सा होता है कि देखो क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, ठीक है, हो गया. तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पेसिस. तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड, हाउ मेनी बॉन्ड इज देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 7 बॉन्ड इज देयर. तो हाउ मेनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट विल हैव, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, तो हाउ मेनी, 4. इफ यू डिवाइड यू विल गेट 1.75, ठीक है. ओके, वन ऑफ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो, सी ऑल ऑफ यू नो दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजीन. ये क्या होता है, बेंजीन है. और बेंजीन का क्या है, दो ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी सबको पता है, ठीक है. तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन. देखो जब भी बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा सेम, तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड, रिजोनेटिंग बॉन्ड. देखो
बेंजीन में जनरली 1, 2, 6 और ये दोनों काउंट करके 9 बॉन्ड हो जाता है, लेकिन ये नहीं, हम लोगों को क्या काउंट करना है, डिजोनेटिंग बॉन्ड, जो बॉन्ड क्या करता है, द बॉन्ड हु इज रोटेट, जो घूमते रहता है, दैट इज द रियल डिजोनेटिंग बॉन्ड। तो हाउ मेनी बॉन्ड इज देयर, 1, 2, 3, 3, एंड हाउ मेनी डिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन हैव, 2, तो इट विल बी 1.5। आ गया, तो बेंजीन का व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन, 1.2 1.5, ठीक है, ओके। तो वीडियो का लास्ट में मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क कुछ एग्जांपल दे रहा, स्पेसिस दे रहा हूँ, यू नीड टू डू दिस और यू नीड टू ट्राई दिस एट योर होम, एंड इफ हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन कमेंट मी और यू कैन personally contact me, my contact number is 8486365262, okay, whatsapp me, don't call me, whatsapp me, okay। तो ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलो, ओके, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, थैंक यू।